हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। चेहरे पे थोड़ी थकावट दिख रही होगी, कुछ जोश की कमी भी दिख रही होगी, क्योंकि आज काफ़ी बैड एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ और उसमें कुछ मेरी मिस्टेक थी, मुझे समझने में गड़बड़ हुई। मैं अभी इस समय मकाऊ में हूँ। मकाऊ एक चाइना की, मतलब समझ लो चाइना का पार्ट तो नहीं कह सकते, मतलब चाइना गवर्नमेंट का इस पर इन्फ्लुएंस है या गवर्नमेंट का पार्ट है या हाइब्रिड गवर्नमेंट है, मुझे नहीं मालूम, पर चाइना के मकाऊ, हांगकांग ये सब चाइना के अंडर आते हैं, है इंडिपेंडेंट जैसे सिंगापुर है, ये वीज़ा लेके आप आ सकते हो। तो और इंडियंस की क्या वैल्यू है ये भी आपको मालूम पड़ेगा थोड़ा सा, कि मतलब कैसे देखा जाता है इंडियंस को बाहर। मैंने पहले भी कई बार बताया, लोग बोलते हैं आप नेगेटिव बात करते हो, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और अभी मैं आया हूँ, जस्ट मैंने आके कुछ खाया है और मैंने कहा चलो ये फ्रेश एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो हुआ ऐसा कि मैंने पटाया से मैं बैंकॉक आया, बैंकॉक एयरपोर्ट के पास एक रात रुका और उसके बाद मैं बैंकॉक से मकाऊ आया। मकाऊ के लिए मैंने पूरी रिसर्च की थी। मकाऊ में इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है, मतलब वीज़ा का कोई चार्ज नहीं लगता है, वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बस आपको 30 डेज का मैक्सिमम स्टे मिलता है, उससे ज़्यादा का नहीं, वीज़ा फ्री है। मकाऊ को एशिया का लास वेगास भी कहा जाता है। यहाँ हर होटल के बेस, हर होटल के अंदर एक कसिनो होता है, मतलब इतने कसिनो है यहाँ कि हर होटल के अंदर कसिनो है। मैं अभी यहाँ पे ग्रैंड ड्रैगन होटल में रुका हूँ, तो इसमें भी थर्ड फ्लोर पर एक कसिनो है, एक फर्स्ट फ्लोर पर कसिनो है। अभी मैं इस समय 18वें फ्लोर पर हूँ और 21वें फ्लोर पर इनका रिसेप्शन है। 21st फ्लोर पर रिसेप्शन है, मतलब आपको चेक इन करने के लिए पहले 21st फ्लोर पे जाना पड़ेगा, फिर वो नीचे किसी भी बिल्डिंग में आपको रूम दे सकते हैं किसी भी फ्लोर पे। तो मेन बात ये कि मैंने रिसर्च की तो मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे कि मकाओ तो मतलब बस मुंह उठा के पहुंच जाओ और आपको तुरंत मतलब एंट्री मिल जाती, जो मैंने रिसर्च किया। और साइट पे भी इनके खुद की इमिग्रेशन की साइट पर जो है वो यही लिखा हुआ है, आपके सब जगह पर एक एक ही चीज़ लिखी हुई है। रिसर्च की यूट्यूबर्स ने जो एक्सपीरियंस शेयर किए, तो कुछ नहीं पूछा जी, कुछ नहीं पूछते ये सब कर रहे थे। अरे मकाओ में आ जाओ, कोई कुछ नहीं पूछता, तुरंत स्टैंप लग जाती है, ये हो जाता वो हो जाता, ऐसे बोलते थे। मैंने जितने भी फ़िलहाल जो 3 महीने के अंदर जितने भी यूट्यूबर्स ने यहाँ पर विज़िट किया है, उन लोगों से मैंने उनके वीडियो देखे, गूगल सर्च किया, इनकी एम्बेसी की वेबसाइट पर गया, सारा कुछ किया, उसके बाद ये पाया कि ठीक है जी मुँह उठा के पहुँच जाओ। तो पर फिर भी मैं अपने आप को बहुत सेफ साइड लेके चलता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बैंकॉक से यहाँ की टिकट बुक की और यहाँ पर मैंने 5 दिन का होटल मैंने बुक किया, सब कुछ हुआ। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आता है, इंडिया से 2.5 घंटे आगे है, मतलब इस समय यहाँ पर 7:30 बजने वाले, तो इंडिया में इस समय 5 बज रहे होंगे, ठीक है। तो फ्लाइट जैसे ही लैंड हुई, पूरी फ्लाइट में मकाऊ के लोकल सिटीजन और चाइनीज थे, मैं अकेला इंडियन था। जो बैंकॉक से मकाऊ की जो फ्लाइट थी थाई वियत एयरवेज की, मैं अकेला इंडियन था। और कमाल की बात क्या है कि ये साउथ एशियन कंट्री के अंदर ना इंग्लिश को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती है, 2 कौड़ी का समझते हैं इंग्लिश को, मतलब किसी को भी इंग्लिश नहीं आती और इस बात का रिग्रेट भी नहीं है। वो कहते हैं गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करो, आपकी ज़रूरत है आप वो करो। तो फ्लाइट जैसे ही लैंड हुई, सब लोग भागे और सब लोग मतलब फ्लाइट लैंड होते ही सब लोग खड़े हो गए, जैसे ही वो CD-VD लगी भाग करके सब लोग आ गए और मैं सबसे पीछे था, मतलब पूरा इमिग्रेशन की लाइन थी काफ़ी लंबी और मैं सबसे पीछे, मेरे से पीछे 2-4 लोग होंगे बस। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी देर लगेगी, क्या हो गया। अचानक एक ऑफिसर आता है, इमिग्रेशन ऑफिसर आता है और भीड़ में से लाइन में को ऐसे लाइन जिगजैग थी ना, तो उसमें से निकलते हुए आता है और मुझे मेरे हाथ से मेरा पासपोर्ट लेता है और मुझसे पूछता है, मतलब पहले पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, मैंने कहा इंडिया, तो मेरा पासपोर्ट लेता है, कहता फॉलो मी। और मैंने कहा यार वाह क्या इज्जत है यार, मतलब इंडियंस को VIP ट्रीटमेंट, मैं सबसे पीछे खड़ा हूँ, मेरे से पीछे से 2-4 लोग हैं और इतनी लाइन में मेरे को वो लेके जा रहा है और वो एक ऑफिसर जा रहा है, मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। वो मुझे फिर वहाँ से क्रॉस करवाता है, वो जो इमिग्रेशन में होने के बाद जब वो बटन दबाते हैं गेट खुलता है, वहाँ से भी मेरे को निकाल के
फिर वो उनका एक इंटेरोगेशन रूम बोलते हैं उसको एक्चुअली में, वहाँ ले जा करके उसने मुझे बिठा दिया। एक कमरा था, उससे पहले क्या हुआ वो लेकर के जब जा रहा था, फिर उसने एक अपने सीनियर ऑफिसर को से कुछ बात की, वो सीनियर ऑफिसर भड़क गया, पता नहीं किस बात पे चिल्ला रहा, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, और बड़ा गुस्से में बोल रहा था, तो उसी को, मुझे नहीं, मैं तो साइड में खड़ा हूँ, मुझे फिर उनकी कुछ बातचीत हो रही है, वो गुस्से में, मेरे को समझ में आ गया कि भाई मेरे केस को लेके कुछ गड़बड़ हो रही है और मेरे से बड़े नॉर्मल बात कर रहे हैं। फिर उसने पूछा कि कहाँ जाओगे यहाँ से, मैंने कहा हांगकांग जाऊँगा, कह रहा हांगकांग का वीज़ा दिखाओ, मैंने कहा हांगकांग का वीज़ा नहीं होता इंडिया के लिए, केवल पार लगता है, पार बोलते हैं प्री अराइवल रिक्वायरमेंट या प्री अराइवल रिक्वायरमेंट, क्या मतलब होती है प्री अराइवल रिक्वेस्ट, ऐसा कुछ होता है, उसका अप्रूवल आता है ऑनलाइन, आपको वैसे वीज़ा नहीं चाहिए। तो मैंने कहा वो प्री अराइवल रिक्वेस्ट जो है मैं वो तो यहाँ से अप्लाई करूँगा ऑनलाइन, वो आ जाएगी, मैं वहाँ चले जाऊँगा बाई रोड बस से या फेरी से चले जाऊँगा। कह रहा आपको हांगकांग जाना है तो हांगकांग का आपके पास वीज़ा होना चाहिए, वो रिक्वेस्ट प्री अराइवल अप्रूवल होना चाहिए। मैंने कहा नहीं है मेरे पास। फिर बोले होटल बुकिंग, मैंने सीधा मुंह पे मारी होटल बुकिंग, मैंने कहा ये 5 दिन का होटल है और महंगा होटल है, क्योंकि यहाँ ना बहुत सारे होटल बहुत महंगे हैं, मतलब सस्ता होटल ही नहीं है, हॉस्टल वॉस्टल डॉर्मेटरी वाला कोई चक्कर ही नहीं है। अभी भी जिस होटल में हूँ ये 5 स्टार होटल है, 21 मंजिल का, 2 फ्लोर पे कसिनो है, ये सब है इसमें। मैंने उसको बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ में मैंने होटल बुकिंग दिखाई उसको, मैंने 5 दिन की होटल बुकिंग की थी, 1 दिन की एक और 4 दिन की एक, एक ही होटल में। कह रहा शो मी यूर चाइना वीज़ा, मैंने कहा चाइना का वीज़ा क्यों चाहिए मुझे, जब मैं चाइना गया ही जाना ही नहीं है मेरे को, तो चाइना का वीज़ा क्यों चाहिए। कह रहा है यू वॉन्ट टू गो चाइना, मैंने कहा नो। कह रहा नो यू विल गो चाइना, उसने पासपोर्ट चेक किया, कह रहा नो चाइना वीज़ा। अब मैंने कहा भाई जब मैंने जाना नहीं चाइना तो मैं क्यों, कह रहा होटल जो आपने बुक किया वो तो चाइना में बुक किया है। चाइना में भी कोई मकाऊ होगा इसके अगल बगल में, मतलब ये चाइना के आसपास के ही है, बॉर्डर लगते होंगे, तो चाइना में भी मकाऊ होगा। मैंने booking.com पे बुक किया होटल, उसमें मकाऊ आ रहा था, किसी अनाड़ी यूट्यूबर ने बोल दिया था कि भी चाइना जो है वो मकाऊ जो है वो चाइना का ही टेरिटरी में आता है, चाइना का ये वो, तो जो मैंने होटल बुक किया उसमें मकाऊ, और फिर बाद में चाइना भी आ रहा है, तो मैंने कहा चाइना अपना वो रसूख दिखाने के लिए कर रहा होगा, मैंने तो मकाऊ देख करके होटल बुक कर दिया, वो मेरे होटल बुक हो गए मकाऊ चाइना में। कह रहा होटल आपने चाइना में बुक की है, चाइना आप कह रहे हो कि चाइना का वीज़ा नहीं है, हम पूछ रहे हैं जाना कहाँ है यहाँ से, तो कह रहे हांगकांग, और हांगकांग का आपके पास कोई वीज़ा नहीं है, अप्रूवल भी नहीं है, और रिटर्न टिकट भी आपके पास है ही नहीं, या ना तो यहाँ से हांगकांग की, और हांगकांग की हो तो अप्रूवल भी चाहिए, और यहां से इंडिया की भी नहीं है, यहां से वापस बैंकॉक की भी नहीं है। मतलब मैं जो डेढ़ शाना बन रहा था ना कि होटल बुकिंग है और हम तो इंडिया से आए हैं, मकाओ तो क्यों। अच्छा उसने बोला पैसे कितने आपके पास, हाउ मच मनी यू हैव। मैंने ना एक अकलमंदी ये करी, मैंने उसको बताया नहीं, क्योंकि ना ये क्या है, ये मकाऊ डॉलर भी बोलते हैं, हांगकांग डॉलर भी बोलते हैं, ये हांगकांग डॉलर मकाऊ डॉलर बराबर की वैल्यू के हैं, इंडिया का 11 रुपया समझ लो, यहाँ का 1 रुपया होता है, तो कई बार आप इनको डॉलर बोलो तो ये यहाँ का डॉलर समझ लेते हैं, फिर उसको कम आंकते हैं। तो मैंने तुरंत अपना ये पाउची में से निकाले और मैंने उसके सामने 100-100 के डॉलर गिनने शुरू कर दिए। जैसे ही मैंने 5, 7, 8, 9, 10 तक पहुँचा ना, उसने कहा नो इट्स इनफ। मतलब दो चीज़ों की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, एक मेरे पास US डॉलर थे 1,500 से भी ज़्यादा, 1,000 से 1,500 या उससे ज़्यादा होंगे, और मेरी ट्रैवल हिस्ट्री, उसने पासपोर्ट देखा जी बहुत सारी कंट्रियों के वीज़े लगे हुए हैं, तो पर वो माने नहीं, कह रहे भाई हम मतलब आप चाइना का होटल बुक करके मकाऊ में बैठे हो। मैं तो हंसी नहीं रुक रही, मैंने कहा यार मोस्ट idiotic सिचुएशन, कि यार मैंने मतलब मिस्टेक हो जाती है, मैं मकाऊ पड़ा, अच्छा booking.com पे चाइना नहीं आ रहा है, जब प्रिंट आउट लिया तब चाइना आ रहा है, मतलब जब वो पेमेंट हो गई तब वो एड्रेस में चाइना दिखा रहा है, वो वहाँ पे आप जाते हो मकाऊ दिखा रहा है वो, मैं और मैंने गूगल मैप में भी देखा, मैं हमेशा गूगल मैप से देखता हूँ,
कि भी मेरे एयरपोर्ट से कितना दूर है, तो वो दिखा रहा था कि भी एक ब्रिज है बहुत लंबा, उसको क्रॉस करके एक दूसरे प्रोविंस में आप जा रहे हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेट्रो वेट्रो से चले जाऊंगा। वो होटल मैंने जो बुक किया वो चाइना में बुक किया, चाइना का मेरे पास वीज़ा नहीं है, मैं कह रहा हूँ मैं चाइना जाऊँगा नहीं। वो कह रहे कहाँ जाओगे, मैंने कहा यहाँ पे 4-5 दिन रह के मैं हांगकांग चले जाऊँगा, हांगकांग में कुछ दिन बिताऊँगा। वो कह रहे हांगकांग का वीज़ा दिखाओ, वो नहीं है मेरे पास। वो कह रहे रिटर्न टिकट दिखाओ, वो नहीं है मेरे पास। पैसे और हिस्ट्री थी, पर वो माने नहीं। उन्होंने पूरा मन बना लिया मुझे डिपोर्ट करने का। वो फिर गए, मेरे पासपोर्ट की एक फ़ोटो कापी, एक फॉर्म के ऊपर एक फ़ोटो कापी लेकर करा करके लेके आए। उसमें उन्होंने सब कुछ भर रखा था, मतलब जो भी रीज़न थे, जैसे मेरे को डिपोर्ट करने के सारे रीज़न उसमें भर रखे थे। और फिर हर 5 मिनट में ऑफिसर चेंज होकर के आ रहा था मेरे उस कमरे में, कि और मुझे मतलब कि कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, पैसे कहाँ हैं। वो मेरे बैंक स्टेटमेंट चेक करी उन्होंने, और भी मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जो मैंने ले रखे थे अपने साथ में। और अच्छा हुआ कि मैंने अपने जो चेक इन बैग थे उसमें से निकाल के अपने हैंड बैग में रख लिए, कि रख लेता हूँ कभी ज़रूरत पड़ जाए। और उन्होंने बस वो चेक करने के बाद में वो फॉर्म, वो मुझे बार बार ये कह रहे हैं, वो फॉर्म प्रिंट आउट लेके आया, उसमें सब भर दिया उन्होंने डिटेल। मेरे को डिपोर्ट करने का रीज़न देना पड़ता है ना, कह रहे इस पर साइन करो। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा साइन, मतलब मुझे ये बताओ ये है क्या। वो मुझे ना जवाब नहीं दे पा रहे थे ढंग से कि मतलब ये है क्या, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर डिपोर्ट बोलेंगे फिर ये ड्रामा करेगा, मतलब नहीं करेगा साइन। कह रहे नहीं ये हमारी कंफर्मेशन के लिए है, यू साइन इट फर्स्ट, यू साइन इट फर्स्ट, यू साइन। वो जितना जो साइन करने पे डाल रहे थे ना, मैं उतना समझ रहा था कि कुछ गड़बड़ है। पर उसमें से एक ऑफिसर थोड़ा सा मुझे लगा कि जो थोड़ा बहुत इंग्लिश भी ढंग से बात कर रहा था, और वो मुझसे थोड़ा सा मतलब जैसे कहते हैं ना, 3-4 ऑफिसर थे बाकी तो खड़ूस थे, एक थोड़ा ढंग से डील कर रहा था। कि मतलब वो मुझे फिर वो आके बैठा, कह रहा मैं आपको पहले आपको केस समझाता हूँ क्या है। कह रहा देखो आपने जो होटल बुक किया वो चाइना में बुक किया, ये सारी चीज़ उसने बताई। मैंने कहा ये बाई मिस्टेक हो गया है booking.com से, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था जिसपे गूगल पे लिखा हुआ है कि भाई इंडियंस के लिए मकाऊ का वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती 30 दिन तक के। मैंने उनसे पूछा कि अब क्या हो सकता है, वो कह रहा पहले आपको साइन करने पड़ेंगे, पहले आप साइन करो। मैंने कहा साइन करते ही आप मुझे डिपोर्ट कर दोगे, डिपोर्ट तो वो वैसे भी उठा के फेंक देते मुझे। पर वो मैंने कहा साइन तो मैं कर देता हूँ, पर अब मुझे आप डिपोर्ट कर रहे हो, आप मेरी बात तो समझो, मेरे पास पैसा है। कह रहे यहाँ आने का पर्पज़ क्या है, मैंने कहा कसीनो, मैं यहाँ पे आया हूँ 5 दिन, मैं कसीनो जाऊँगा और मैं कसीनो के लिए आया हूँ, पैसा है मेरे पास। मैंने कहा ये मैंने अपने डॉक्यूमेंट देखा कि मेरी इंडिया में क्या वेल्थ है, सारा कुछ उनको दिखाया। उसने बोला आप साइन करो, आपको हम टाइम देंगे। मैंने कहा देखो ये होटल मेरे से गलती से बुक हो गया, मैं होटल नया बुक कर लेता हूँ। रह गई बात रिटर्न टिकट की, आप मेरे को वाईफाई कनेक्ट कर दो मेरे फ़ोन में, मैंने अपने फ़ोन में रोमिंग ले रखी है एक फ़ोन में, वो रोमिंग यहाँ आते ही काम नहीं कर रही। वो होता है ना कि कौन कौन सी कंट्री सिलेक्ट करनी है, तो मकाऊ का तो अचानक बन गया, तो वो रोमिंग काम नहीं कर रही। मैंने कहा आप मुझे वाईफाई दे दो और आधे घंटे का टाइम दे दो। कर आधा घंटा नहीं दे सकते, आप साइन करो हम आपको 10 मिनट देंगे। मैंने कहा 10 मिनट में कहाँ से फ्लाइट की टिकट मैं कर पाऊंगा, या मेरे को होटल बुक भी तो करना है, ऐसे थोड़ी कुछ भी कर दूंगा। करते कराते मोटी बात ये कि उसने मुझे 20 मिनट का बोला कि भी 20 मिनट देते हैं आप साइन करो। मैंने साइन किए, मैंने कहा डिपोर्ट करेगा करेगा देखेंगे। जैसे ही उसने मेरे को साइन करवाया, उसने कहा वाईफाई कनेक्ट करके दिया होटल एयरपोर्ट का वाईफाई, और उसने बोला कि अब 20 मिनट है। अब मैं होटल सर्च करने लगा, कह रहा होटल नहीं पहले रिटर्न टिकट चाहिए हमें। तो फिर मैंने घर फ़ोन किया, कह रहा टिकट बुक करो, फ़ोन क्यों करो। मैं कहा मेरी सारी टिकट मेरी वाइफ बुक करती है। फिर मैंने घर पे फ़ोन कर किया कि इमीजिएटली टिकट बुक करो वापस बैंकॉक की, क्योंकि हांगकांग में जा नहीं सकता, मेरे पास अप्रूवल नहीं है। मकाऊ से इंडिया की डायरेक्ट कोई फ़्लाइट नहीं है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है और बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने कहा मेरे को बैंकॉक की टिकट करके 5 दिन की दो। मैंने कहा अब अगर मैं पलटी खाया ना ये मेरे पे डाउट करेंगे, क्योंकि पहले मैंने बोला 5 दिन की होटल बुकिंग है, मैं तो 5 दिन रहूँगा। अब मैं बोलूँ नहीं मैं 7 दिन रहूँगा 10 दिन रहूँगा, तो मैंने कहा बिना मतलब डाउटफुल केस बनेगा। मैंने घर फ़ोन करके बोला, मैंने कहा 24 तारीख मतलब 5 दिन बाद की मेरी एग्जिट की टिकट एक फटाफट वापस बैंकॉक की कर दो। उसने फटाफट, मकाऊ से बैंकॉक बहुत सस्ता किराया है, 7-8 हज़ार में मैं आया हूँ, 7-8 हज़ार की शायद 8 हज़ार के आसपास की जाने की है इंडियन रुपीज़ में। तो मैंने उसने टिकट करके दी, वो टिकट को फिर उन्होंने वेरीफाई किया, फिर भी नहीं सेटिस्फाई हुए। फिर मैंने अपना बैंक, वो तो बैंक से SMS आ गया था, मैंने उनको SMS दिखाया, SMS को उन्होंने पेमेंट, वो कुछ टैक्स वैक्स का चक्कर पड़ता है ना, तो वो मैच नहीं किया, एक दो रुपये मैच नहीं किए। फिर उसने टाइम मैच किया, टाइम मैच कर गया कि हाँ भाई टिकट बुक हुई है, और उसी टाइम के 2-3 मिनट बाद ही SMS आ गया। फिर वो गया अंदर, फिर वो मेरे सारे डॉक्यूमेंट लेके आया, मेरे पास पासपोर्ट लेकर के आया, पासपोर्ट दिया नहीं उसने मुझे। फिर उसने मुझे बोला कि देखो, उसने मुझे सीधा बोला I ask you only one question,
उसने मुझे 2-3 बार ये बात रिपीट करी, आई आस्क यू ओनली वन क्वेश्चन, आई वॉन्ट ओनली वन आंसर एंड वेरी ट्रूथ आंसर. मैंने कहा वही क्या, ऐसा क्या जमीन जायदाद लिखवाएगा. मैंने कहा पूछो. कह रहा सिर्फ एक सवाल पूछूंगा मैं कि यहां से आप वापस बैंकॉक जाओगे. मैंने कहा हाँ. कह रहा प्रॉमिस. मैंने कहा हाँ. कह रहा फाइनल प्रॉमिस. मैंने कहा यस. मैंने कहा मैंने बोल दिया मैं. कह रहा आप हांगकांग नहीं जाओगे. मैंने कहा मैं नहीं जा रहा हांगकांग. हांगकांग जाना था पर अब नहीं जा रहा क्योंकि आपने मेरे को टिकट या मैंने कहा बैंकॉक की करवा रहे हो सब. तो उसने फिर मेरे से पूछा. कह रहा क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड पे चढ़ा रहा हूँ और आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि अगर आप इस डेट पर नहीं गए या आप यहाँ से कहीं और गए तो ये आपके रिकॉर्ड के लिए भी बहुत ख़राब होगा. और यहाँ ना वीज़ा वगैरह नहीं होता है. ये क्या करते हैं, ये ऐसे एक प्रिंट आउट स्लिप देते हैं. उसने मेरे से कंफर्म किया. मैंने कहा मैं यहाँ से वापस बैंकॉक जाऊँगा. फिर उसने कहा ठीक है आप अपना जो भी लगेज वगैरह है उसको उठाओ और आओ मेरे साथ. फिर मैं गया उसके साथ. ये और ये सब इंग्लिश में बात चल रही है. उनको इंग्लिश मतलब यही एक ऑफिसर था जिसको ठीक ठाक से इंग्लिश आ रही थी बस. और उसके बाद वो वही इमिग्रेशन काउंटर पर लेके गए. वहाँ उसने ऑफिसर को बोला और वो फॉर्म दिखाया. उस फॉर्म में उन्होंने लिखा वो डेट लिखी थी मेरी किस डेट की टिकट है वापसी की. फिर उन्होंने वो सारी ये सारी डिटेल इसमें फिल करी और इसमें फिल करके ये जो है इसमें फिल करके इन्होंने मेरे को ये इनका वीज़ा है ये पास है एक तरह का. इसमें डेट डाल दी इन्होंने 26 कि. फिर उस ऑफिसर ने बोला कि हम आपको 7 दिन का कह रहा 1 वीक वीज़ा दे रहे हैं. मैंने कहा ट्राई टू मोर आई वॉन्ट टू स्टे मोर. तभी वो गुस्से वाला जो ऑफिसर था वो आ गया. कह रहा आप वो मुझे फॉर्म पे ऐसे इशारा करके दिखा रहे टिकट तो तुम्हारी वापसी तो तुम्हारी इतनी तारीख की है तुम्हें और ज़्यादा हम तो उसे 2 दिन आगे की दे रहे हैं. मतलब मेरी तो 5 दिन की वापसी की टिकट है और उन्होंने मुझे 2 दिन आगे का वीज़ा दिया. तो कह रहे 5 दिन बाद तुम यहाँ से जा रहे हो हमने 7 दिन का वीज़ा दिया. मैं कहा दे दे भाई तू 7 दिन का वीज़ा दे दे अब क्या करें. तो फिर फाइनली उन्होंने मेरे को ये 7 दिन का वीज़ा दिया. पैसा 1 रुपया नहीं लगा. कोई रिश्वत नहीं कोई वीज़ा फीस नहीं. पर 1-1.5 घंटा ख़राब हुआ और ऑलमोस्ट डिपोर्ट हो रहा था मैं. मतलब पूरे फॉर्म उन्होंने साइन तो करवा ही लिए थे. अगर मैं टिकट बुक नहीं कर पाता या मैं कुछ और मेरी बातों में झूल झाल लगता मेरे पास कैश नहीं कम होता या मेरे ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती तो वो तो पक्का था मैं डिपोर्ट. फिर उसने मुझे बोला कह रहा कि ये अब ये क्या ये ना इसको आप संभाल के रखना पड़ेगा. जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो जब मेरा इमिग्रेशन होगा तो मुझे ये वहाँ पर देना पड़ेगा. मतलब ये जब आप एंटर करते हो तो आपको ये स्लिप देते हैं और जब आपको एग्जिट होती है तो ये स्लिप आपको देनी पड़ती है वहाँ. फिर कहानी में ट्विस्ट ये सोचा मैंने कि फिर इतने सारे ये यूट्यूबर कह रहे मकाओ तो यूं उठा के चले जाओ फेरी से चले जाओ बस से चले जाओ. ये सब इंडिया से आए थे. इंडिया से ये सबसे पहले हांगकांग आते हैं क्योंकि इंडिया से मकाओ की कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है और है तो जो कनेक्टिंग फ्लाइट है वो भी बहुत महंगी है. तो ये सब डायरेक्ट आते हैं हांगकांग. हांगकांग में 1-2 दिन रुकते हैं. हांगकांग से मकाओ का रास्ता 1.5 से 2 घंटे का है. बस से जा सकते हो फेरी से जा सकते हो बाय फ्लाइट जा सकते हो हेलीकॉप्टर से जा सकते हो. तो ये लोग सबसे पहले हांगकांग आते हैं. हांगकांग का वीज़ा लगता नहीं है. वो प्री अराइवल रिक्वेस्ट का अप्रूवल चाहिए होता है वो ये लोग ले लेते हैं और उससे हांगकांग आते हैं. हांगकांग आने के बाद मुंह उठा करके आप मकाऊ आ जाओ एंटर करो और मकाऊ ये 1-2 दिन रुकते हैं और वापस आ जाते हैं. इनके पास हांगकांग का अप्रूवल वीज़ा होता है वो अप्रूवल होता है. मैं बैंकॉक से अकेला इंडियन मकाऊ आया. होटल बुक किया चाइना में. जाने को बोल रहा हूँ हांगकांग और ना रिटर्न टिकट है और ना हांगकांग में होटल बुकिंग है. मोस्ट इडियोटिक सिचुएशन. फिर क्या हुआ जब उन्होंने बोला फिर मेरा लगेज ढूंढने में टाइम लग गया क्योंकि वो बेल्ट वो अकेला मेरा बैग नाचे जा रहा है वहां पे बेल्ट पे. फिर मैंने सबसे पहले तो चैन की सांस ली. फिर मेरा दिमाग जब थोड़ा शांत किया सबसे पहले मैं गया booking.com पे. मैंने कहा सबसे पहले वो चाइना वाले होटल तो उनको कैंसिल करूँ पैसा डूब जाएगा. तो मालूम पड़ा कि जो आज का होटल का पैसा था वो तो पूरा डूब गया क्योंकि उसका कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं है वो बंद हो गया था क्योंकि आज ही का तो बुकिंग थी वो आज इस समय तो मुझे उस होटल में होना चाहिए था. फिर जो मैंने जो अकलमंदी ये करी थी कि 1 दिन का एक बुक किया था और 4 दिन का अलग बुक किया था. वो जो 4 दिन का था उसमें
कल तक तो वो फ्री था कैंसिलेशन, आज उसमें 3,500 रुपये कट रहे थे, 3,600 रुपये। मैंने इमीजिएटली 3,600 रुपये का अप्रूवल दे करके बाकी के अपने 4 दिन के होटल को कैंसिल करवाया। तो कुल मिला करके मेरा कुछ 8-1 हज़ार का नुकसान हुआ, एक दिन का होटल का और जो कैंसिलेशन चार्ज दिया उसका, ये हुआ। फिर कहानियाँ ख़त्म नहीं होती है, फिर लोकल करेंसी चाहिए, डॉलर मैं सेफ रखता हूँ, तो लोकल करेंसी के लिए मैं एटीएम गया। एटीएम से मैंने 2,000 निकाले यहाँ के, क्या बोलते हैं, मकाऊ डॉलर बोलते हैं ये लोग, वैसे मकाऊ पटाखा होता है, ये भी किसी यूट्यूबर ने बोला था, बाकी ये लोग तो डॉलर डॉलर ही कर रहे हैं, ये लोग डॉलर कर रहे हैं, तो मकाऊ डॉलर। तो मैंने वो 2,000 निकाले, तो मेरे कुछ 21,500 रुपये मेरे अकाउंट से कटे, 500-500 के 4 नोट आए। होटल जो बुक किया यहाँ पे बैठ करके, मैंने 2 दिन का एक होटल बुक किया, ये वाला ग्रैंड ड्रैगन होटल। ये होटल मैंने इसलिए बुक किया, मैं इतना टायर्ड हो चुका था, इतना थक चुका था, इतना स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस तो नहीं कहूँगा, मतलब थकावट सी हो जाती है ना, एक मेंटल थकावट भी। तो मैंने फिर क्या किया कि गूगल में उस पर booking.com के मैप मैप पे जाकर देखा कि एयरपोर्ट के सबसे नज़दीक मेरे बजट में आने वाला होटल कौन सा है। तो 5 किलोमीटर दूर मैंने होटल बुक किया। अब वो टैक्सी लेने बेसमेंट में गया, तो वो कह रहा 500 की चेंज नहीं है, वो टैक्सी वाला कोई देगा नहीं आसानी से, तो आप ना चेंज करवा लो। फिर 7-Eleven गया, वहाँ से कुछ खाने को लिया, फिर वहाँ से मैंने चेंज करवा के आया, नीचे टैक्सी ली। वो टैक्सी में बंदे को समझाया भी मैंने, जो टैक्सी करवाते एयरपोर्ट का स्टाफ होता है, उसने उस टैक्सी वाले को समझाया थोड़ी ये देर आगे जाकर के। वो कह रहा मेरे को कुछ, एक तो उनको इंग्लिश नहीं आ रही बिल्कुल, बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं, वो जो भी बात कर रहा है मुझसे अपनी लैंग्वेज में कर रहा है। अरे भाई, जब मुझे तेरी भाषा नहीं समझ में आ रही तो बात क्यों कर रहा है, कम से कम इशारों से ही कर लो। वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। मैं फाइनली, मैंने वो गूगल मैप ऑन कर लिया था यहाँ पे होटल के वाईफाई से, एयरपोर्ट के वाईफाई से, पर मैं श्योर नहीं था। मैं इतना ज़्यादा पजल हो गया था कि मैं होटल बुक कुछ और किया और स्क्रीन उसका कुछ और खुला हुआ था। फिर मैंने उसकी जो रिसिप्ट डाउनलोड की थी उसके उसको दिखाया, फिर वो कहीं और ले गया। वो तो अगर मैं उसको टोकता नहीं ना, वो टैक्सी वाला मुझे यहाँ से बहुत दूर लेकर के जाता, मेरे 3-4 हज़ार रुपये टैक्सी में लग जाते। वो तो मैंने देखा कि गूगल मैप से कि टैक्सी अलग जा रही है, हम वो ब्लू लाइन अलग जा रही है। मैंने उसको रोका, फिर उसने समझा, फिर वो बड़बड़ करनी शुरू, फिर वो गुस्से में आ गया, बड़बड़ कर रहा है, कुछ पता नहीं क्या बोले जा रहा है, फिर वो कभी गुस्से में हॉर्न बजा रहा है, जैसे हॉर्न भी गुस्से में बजा रहा है। फिर फाइनली मैंने उसको गाइड करना शुरू किया। मैंने कहा यार रिस्क लेते हैं, जो भी लोकेशन है मैंने ही तो चुनी है booking.com के होटल से ही, तो गलत तो होगी नहीं। मैं उसको बताता गया, राइट जा, लेफ्ट जा, ऐसे कर वैसे कर, क्योंकि मुझे ये तो मालूम था 5 किलोमीटर ही है, और 5 किलोमीटर के मैंने $80 दिए हैं यहाँ के मकाऊ, तो मतलब कुछ 900 रुपये के करीब लगे हैं मेरे, 880 मान लो, तो 900 रुपये मेरे यहाँ 5 किलोमीटर आने पे लगे हैं। और मुझे ये भी डाउट था कि होटल है कि नहीं है वही वाला, क्योंकि जो होटल का नाम भी लिखा हुआ है वो चाइनीज़ भाषा में लिखा हुआ है। मैंने अंदर आके गार्ड को बोला कि भी, जो सिक्योरिटी गार्ड था, कि भी रिसेप्शन, कह रहा 21st फ्लोर। मैंने कहा रिसेप्शन, कह रहा हाँ। फिर वो मुझे पढ़वाने लग गया, वहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा था चाइनीज़ में भी कि रिसेप्शन लॉबी 21st फ्लोर। मैंने कहा 21st फ्लोर पे अगर रिसेप्शन है तो होटल कहाँ पे होगा, क्योंकि मैं लाओस में भी रुका था तो उसमें भी 5वीं मंजिल पर लॉबी थी, पर उसके ऊपर होटल था सारा। यहाँ टॉप पर रिसेप्शन है, जो लॉबी है चेक इन लॉबी वो टॉप पर है, 21वें फ्लोर का होटल है ये, 21 फ्लोर। वहाँ गया और जैसे ही मैंने उसको वो स्क्रीनशॉट दिखाया, उसने कहा चेक इन ओके, गिव मी योर पासपोर्ट, तब मेरी जान में जाना है कि सही होटल में हूँ। फिर मालूम पड़ा वहाँ जल्दबाजी में बुक करने के चक्कर में मैंने ट्विन बेड बुक कर दिया, तो उन्होंने मुझे ट्विन बेड दिया, कह रहे कल आपको चेंज कर देंगे अगर अवेलेबल हुआ, क्योंकि मैंने 2 दिन का बुक किया अभी। अगर मुझे ये होटल सही लगा तो ठीक है, नहीं तो अभी तो मैं रेस्ट करूंगा। इस होटल में 2 फ्लोर पे कसीनो है, 3rd फ्लोर पे भी और 1st फ्लोर पे कसीनो है। वहाँ बैंकॉक में भी आते टाइम जिसको भी मैं बताऊँ मैं मकाऊ जा रहा हूँ होटल में या टैक्सी वाले को, ओ कसीनो कसीनो, मतलब ये इतना, इसको एशिया का लास वेगास बोलते हैं। फाइनली अभी मैं अपने रूम में हूँ, 7 दिन का वीज़ा है मेरे पास, उससे 2 दिन के पहले की मेरी फ़्लाइट है। हो सकता है मैं उस फ्लाइट को एक्सटेंड करूँ अगर मुझे अच्छा लगा तो, या पंगे लूंगा नहीं क्योंकि रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। उसने मुझे एक ही बात बोली, कह रहा मैं आपको सिर्फ इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि अगर आपने इसमें कुछ भी हेरा फेरी करी तो ये आपके लिए ख़राब होगा, मतलब रिकॉर्ड के लिए, हिस्ट्री के लिए, जो भी है। कह रहा हमने रिकॉर्ड में चढ़ा दिया है। अब वो मुझे डरा रहा था, सच बोल रहा था मालूम नहीं, पर मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी काम मैं गलत करने के हक में नहीं हूँ,
और ठीक है, जो भी है जैसा भी है। तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए, कोई भी यूट्यूबर कुछ भी बोले, जितनी मर्जी बात बोले, किसी भी देश में जाओगे, वहाँ से बाहर जाने की वापसी की टिकट होनी चाहिए या दूसरे देश जाने की होनी चाहिए, और होटल बुकिंग होनी चाहिए, ये दो चीज़ें जरूर होनी चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसी भी दिक्कत होती है कि अगर आप जिस देश में जाने की टिकट दिखा रहे हो तो वो बोलेगा वहाँ से वापस आगे जाने की टिकट दिखाओ। जैसे मैंने वियतनाम में बोला कि मैं तो लाओस जा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, लाओस से बाहर जाने की या तो इंडिया की या आगे किसी देश की टिकट दिखाओ। फिर मुझे लाओस से बैंकॉक की करनी पड़ी। आज भी वो एयरलाइंस वाले यही बोल रहे थे कि मकाओ से आपकी रिटर्न टिकट का है। चलो खैर, जो भी है, अंत भला तो सब भला।